दोस्तों भारत सरकार द्वारा एक नया सर्टिफिकेट जारी किया गया जिसमें कि अभी तक 26 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपने नाम से ये सर्टिफिकेट बनवाए हैं। तो अगर आप भी अपने नाम से ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो कैसे आपको आवेदन करना है और इस सर्टिफिकेट से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाले हैं, सो पूरे जानकारी के साथ आवेदन करने का प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो सर्टिफिकेट अगर आप अपने नाम से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तुरंत आपके नाम से सर्टिफिकेट बन जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंपली आपको कोई भी ब्राउजर में टाइप करना है PLEDGE.mygov.in, ये लिख के आप जैसे सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आ जाते हैं सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे आ जाना है और नीचे आना दोस्तों के यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स, सिंपली आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे ही देखने को मिल जाएगा से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स, सिंपली आपको यहाँ से शपथ लीजिए पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आप अपने नाम के साथ जो भी लगाते हैं जैसे श्री श्रीमती कुमारी डॉक्टर जो भी लगाते हैं उस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, उसका दोस्तों यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है जो भी है उस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। उसका दोस्तों यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है, यहाँ से आपको अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। तो जो भी स्टेट चाहते हैं सिंपली आप अपने स्टेट के नाम पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए। उसका दोस्तों यहाँ से आपको अपने जिला का नाम सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपके जिला का नाम है सिंपली आप अपने जिला के नाम पे क्लिक कर दीजिए। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद सिंपली आपको भाषा के चयन के लिए आगे बढ़े इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिंदगी को हाँ और नशे को ना कहे शपथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको भाषा सेलेक्ट करना होगा, तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कीजिए। इस पर आप जैसे क्लिक करें दोस्तों अगर आप हिंदी में सर्टिफिकेट चाहते हैं तो हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं इस तरह से हिंदी पे क्लिक कर दिए। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से शपथ पढ़िए पे क्लिक कर देना है, तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। अब इस पर आप जैसे क्लिक करें दोस्तों यहाँ पर आपको पहले शपथ पढ़ना होगा। शपथ पढ़ने के लिए दोस्तों के यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और यह चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों के बताया जा रहा है कि विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये एक चिंता का विषय है, इसलिए हम सभी शपथ लेते हैं कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि भारत के युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। तो यहाँ पे दोस्तों खासकर युवाओं के लिए बताया गया है कि हमारे देश में अभी जो नशीली दवाओं का दुरुपयोग ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है और ये जो से ज़्यादातर युवाओं के बीच हो रहे हैं, तो इसी को रोकथाम के लिए यहाँ पे जो से एक आपसे शपथ लिया जा रहा है, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसका दूसरी यहाँ बताया जा रहा है कि आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको मैंने शपथ ली इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो मैं फटाफट से OTP एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे OTP एंटर कर लिया। OTP एंटर करने आपको सिंपली यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके नाम से यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे गृह मंत्रालय द्वारा ये सर्टिफिकेट जनरेट किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसका दोस्तों के यहाँ पे माय गॉव यानी मेरी सरकार और यहाँ पे दोस्तों के आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिंदगी को हाँ और नशे को ना के प्रमाण पत्र यह प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से स्क्रॉल करें तो यहाँ देखिए जिंदगी को हाँ और नशे को ना के संकल्प लिया है और नशीली दवाओं का दुरुपयोग को रोकने में सहयोग और इससे दूर रहकर एक स्वस्थ जीवन यापन के लिए खुद का
प्रतिबद्ध किया है। यानी कि दोस्तों इस सर्टिफिकेट में आपने ये एक शपथ लिया है कि मैं किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, या कोई भी व्यक्ति मेरे सामने नशा करते हैं तो उनको मैं रोकथाम करूंगा, उसे नशा करने से मना करूंगा। अगर आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा छाप या डाउनलोड प्रमाण पत्र प्रिंट डाउनलोड सर्टिफिकेट, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब इस पर आप जैसे क्लिक दोस्तों ये प्रमाण पत्र आपका डाउनलोड होने लगेगा, उसके बाद सिंपली आपको ओपन बटन पर क्लिक करना और यहाँ पे दोस्तों आपका प्रमाण पत्र इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अब एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, तो इससे बेनिफिट यही होगा कि आपका एक जो सो भारत सरकार के नजर में आपका एक प्रमाण पत्र बन गया कि आप जो सो नशा मुक्त व्यक्ति है, आप नशीली पदार्थ यूज नहीं करते हैं।